भारतीय स्टेट बैंक सिमडेगा शाखा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य शाखा प्रबंधक सुभाष होरो ने अनूठे अंदाज में स्थापना दिवस को मनाया, जहां जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाकर विद्यार्थियों को जन जागरूकता के लिए प्रेरित किया, साथ ही शिक्षा का प्रसार हेतु उन्हें बेहतर टिप्स दिए। तो वहीं सिमडेगा से सटे तमाड़ा गांव में जाकर वरिष्ठ शिक्षक तथा सिमडेगा शाखा बैंक के सबसे वरिष्ठ ग्राहक नंदकिशोर मिश्र के घर जाकर उनका सकुशल समाचार भी पूछा। शाखा प्रबंधन ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक सिमडेगा का स्थापना दिवस के मौके पर स्टेट बैंक में पेड़ लगाकर पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का कार्य किया गया है। वहीं इसके साथ ही स्टेट बैंक और लोगों से ऐसा अनुरोध करता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर पौधे लगाएं। स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक ने आम लोगों से अपील करता है, भारतीय स्टेट बैंक सिमडेगा शाखा आपके लिए हमेशा तत्पर है, साथ ही अपने विविध सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक सिमडेगा आ सकते हैं। मेरा नाम सुभाष होरो है, मैं स्टेट बैंक सिमडेगा शाखा का मुख्य प्रबंधक हूँ। आज सुबह हमने विद्यालय सारे भी कस्टमर आए थे, उनके साथ हमने स्थापना दिवस का प्रारंभ किया। फिर हम चूँकि हमारा उद्देश्य था कि हम छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हमको कवर करना था, तो इसी के एक प्रस्तुति स्वरूप हम लोगों ने एक रंगारी में एक स्कूल था, रंगारी स्कूल, वहाँ पे बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें साक्षरता जो भी हमारे बैंकिंग संबंधी जानकारी दी। उसके बाद पुनः हमने दोबारा हम लोग तमड़ा आए, तमड़ा में हम लोग श्री नंद किशोर जी जो कि हमारे सबसे बुजुर्ग कस्टमर हैं, उनसे मुलाकात की, उनके हाल समाचार लिए। क्योंकि हमारे स्टेट बैंक का यही उद्देश्य है कि हम लोग सभी लोगों से जुड़े, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। इसके बाद हम लोग चूँकि प्रकृति की रक्षा भी करना है, तो हमारा अभी हम बैंक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किए हैं, हमारे सारे स्टाफ मिलके एक एक पौधे लगाने का कार्यक्रम किए हैं। बस यही मैसेज है कि हम लोग स्टेट बैंक प्रत्येक व्यक्ति का बैंक है, हर एक व्यक्ति का बैंक है, वो हर एक व्यक्ति से आग्रह है कि वो बैंक से जुड़े और स्टेट बैंक उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।